हेलो जी आज हम रीडिंग करेंगे जमनाई लिब्रा एक्वेरियस जनवरी 2024 की आप लोगों के लिए वाला मंथ कैसा रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू आप लोगों को नए साल 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद uh, आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक इज गिवन बिलो ये जनरल रीडिंग है जनरल मैसेजेस होंगे एंड जनरल प्रोडक्शन होगी सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द जमना स्टार्ट करते हैं कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा हेलो जमनाई तो आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर न्यू मी वाला आपका रेजोल्यूशन हो सकता है या आपका गोल हो सकता है आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कोई न्यू जॉब लग सकती है या आप बहुत एक्साइटेड हैं इस इंटरव्यू इस टेस्ट के लिए इस एग्जाम के लिए इस न्यू चैप्टर के लिए जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है या आप कुछ नया ऐसा करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे ठीक है या आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रोफेशन को ठीक है या आप कोई चीज ऐसी ज्वाइन कर रहे हैं जिसको लेकर का आप काफी एक्साइटेड होंगे बट इस लुक लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग किसी के साथ आपकी न्यू शुरुआत न्यू बिगनिंग हो सकती है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा या प्लेटफॉर्म देगा जिससे आप अपने आ, आप को काफी लकी फील करेंगे ट्रैवल डेफिनेटली यहां पे है चाहे आप प्रोफेशनली ट्रैवल करने वाले हैं या आप वैसे ही न्यू ईयर के ट्रिप पे या आप पिकनिक पे जा सकते हैं बट uh, डेफिनेटली यहां पे लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसमें आपको बेनिफिट होगा प्रॉफिट नजर आएगा मेंटली uh, आप एक सिचुएशन से निकल रहे हैं मेंटली आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे हेल्थ वाइज भी आपकी चेंजेस नजर आ रही है इस मंथ में ठीक है आप काफी अच्छा फील करेंगे uh, काफी कम्युनिकेटिव और काफी सोशलाइज होंगे आप इस मंथ ठीक है या आपको होना चाहिए अपने आपको निकालें बाहर नया साल है न्यू बिगनिंग है आप उस पुराने चैप्टर्स को क्लोज करें आगे बढ़े लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके डेफिनेटली फ्यूचर के गोल्स हैं इसी साल के भी आपने ऑलरेडी गोल्स कर लिए हैं कि आपको क्या करना है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस या किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं उनको काफी प्रोग्रेस फील होगी और चेंज नजर आएगा यू विल बी फील हैप्पी एंड लकी इन सम मैटर्स आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को किसी चीज से फ्री करने वाले हैं मतलब काफी से, से आपको लग रहा था आप नहीं निकल पाएंगे बट फाइनली यू आर फ्री या आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं किया था ठीक है तो आपको कोई ऑफर मिल सकती है चाहे ये रोमांटिक ऑफर है रिलेशनशिप है या इवन आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है जो आपको बहुत बेनिफिट देगी और अगर आप खुद कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द मंथ दिस इज द टाइम कि आप उन चीजों को अभी से वर्क करना शुरू कर दें और उसका फिर रिजल्ट आप फ्यूचर में देखेंगे और अगर आपने ऑलरेडी किया था उसका रिजल्ट आपको प्रोग्रेस इसी उससे नजर आएगा आप हो सकते हैं कुछ चीज परचेज भी करें या आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर आपके लिए काफी एक्सपीरियंस होगा आपने पहले नहीं किया ये एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है ये वाला मंथ आपके लिए सो गुड लक नेक्स्ट इज अब्रा तो एक चीज पहले मुझे नजर आ रही है मे बी यूर गोइंग ऑन ट्रैवल ओके आप शायद कहीं अब्रॉड जाए जहां पर वीजा या जो भी है आप एरोप्लेन के उसपे ट्रैवल पे जाने वाले हैं या कोई आप ट्रिप पे जाने वाले हैं चाहे ये प्रोफेशनल है या पर्सनल है आ, कुछ लोगों के लिए ठीक है या इवन यू आर गोइंग विद योर पार्टनर सम हीलिंग टाइम हो सकता है कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं विद योर पार्टनर अलोन टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं प्रोफेशनली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है शायद आपकी लग जाए या आपका वीजा कहीं लग जाए एक गुड न्यूज होगी आपके लिए वाओ कि आप उस चीज में सिलेक्ट हो गए हैं या आप एजुकेशनल uh, वाइज भी हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में आपका जैसे um, एडमिशन हो जाता है या आप कहीं जहां पे भी जिस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे बेसिकली इट्स अ वीजा इट्स डेफिनेटली वीजा तो जिसके लिए आप बाहर जाने वाले हैं तो हो सकता है आप ट्रैवल uh, करें ये चीज मुझे नजर आ रही है इन द नेक्स्ट वन मंथ वन टू फोर मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज आपके लिए uh, शायद इसी मन से आपका ये माइंड बने या चेंज आप करें अपना माइंड या आप ऑलरेडी सोच रहे हैं तो जो चीज करने के लिए सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होगा एक और चीज नजर आ रही है आप ऐसे कुछ लोग मेंटली इस मंथ आप काफी अच्छा फील करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे आ, आपकी हेल्थ भी यहां पे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस भी फील होगा अपनी एजुकेशन में स्टडीज में ठीक है थोड़ा सा रिजल्ट नजर अच्छा आएगा आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है अपने बिजनेस में या जॉब में ठीक है आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हैं शायद कुछ आप नया सीखने वाले हैं जो आपको कल को बेनिफिट देगा फ्यूचर में आप हो सकता है काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशनल या जॉब या बिजनेस में है आपको काफी अच्छा लगेगा यू विल फील वेरी इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट बोल्ड करेजियस आप हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन भी लेने वाले हैं जो आपको आपको खुद एक बहुत बड़ा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा Uh, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आप कुछ नया परचेज भी करेंगे या आप कुछ नया करने का या सीखने का सोच रहे हैं लर्निंग प्रोसेस हो सकता है या आपके लिए एक नया, एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है या आप कुछ अपना नया स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपैंड करने वाले हैं अपने करंट बिजनेस को या जॉब को प्रोफेशन को वो भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फ्यूचर की प्लानिंग आपकी रहेगी ठीक है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है किस तरह करना है कोई आपकी विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ मुझे ऐसे नजर आ रहा है या आप काफी बेसिकली यू विल फील वेरी इमोशनली एंड मेंटली हैप्पी गुड प्लेस तो ये आपके लिए मंथ काफी अच्छा लग रहा है और आपको किसी की तरफ से सीक्रेट एडमायर या कोई किसी की तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है या इवन अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो वो आपके पार्टनर वाइफ वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप हो सकता है इस, इस मंथ कोई ऐसा इवेंट अटेंड करें जहां पर काफी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे यू विल गेट समाइप ऑफ अचीवमेंट रिवार्ड सक्सेस ये आपको खुद काफी अच्छा फील होगा वैन यू विल कम्पेयर योर लाइफ विदेक नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्वेरियस तो आप लोगों के लिए ये वाला मंथ डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन है कोई चीज है जो आपको रात को सोने नहीं दे रही है स्ट्रेस कर रही है टेंशन दे रही है Uh, कोई पास्ट की चीज हो सकती है कोई ऐसी चीज है जो आपने अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कोई ऐसा डिसीजन uh, आपने लिया उस पर आप अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हैं आपको लगता है आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया या रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि आप काफी लोनली सिंगल फील कर रहे हैं या अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आपको लगता है यू हैव टू एंड इट यू हैव टू फिनिश इट क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है किसी के साथ या इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी अगर आपने किसी के साथ की हुई है तो वो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ आपका टेंशन या आपको स्ट्रेस रिलीज करने के बजाय आपको मजीद स्ट्रेस दे रही है ये चीज सिचुएशन हो रही है आप आपसे कुछ लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से निकल रहे हैं या रिलेशनशिप से या फ्रेंडशिप से कुछ चीज है जो खत्म हो रहा है या हो चुका है जिसकी आपको टेंशन है आ, लेकिन फाइनेंशियली भी ऐसा हो सकता है कि आप काफी अपने ऊपर बर्डन और प्रेशर फील कर रहे हैं क्वेरियस आपको लगता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप अपने आप से काफी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ये लोगों की एक्सपेक्टेशन एर्दगिव जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हाई है ठीक है थोड़े सी चेंजेस आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी लानी पड़ेंगी कि किस लोगों पे आपको ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना और जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया उन लोगों ने आपको धोखा दिया चीट किया झूठ बोला तो वो लोग दोबारा आपकी लाइफ में रीएंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी है ठीक है पास्ट वाली चीजें हैं जो आपको अभी भी यहां पे आ, आप उनसे नहीं निकल पा रहे या आप किसी को भुला नहीं पा रहे या कोई चीज है जो आपको अंदर ही अंदर से आपको स्ट्रगल फील हो रही है अगर आप सिंगल हैं यू मे बी फीलिंग लोनली आप अपनी लाइफ को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं चाहे वो रोमांटिकली है लोग रिलेशनशिप में है या फाइनेंशियली भी हो सकता है आपको लगता है वो आगे निकल गए वो आगे बढ़ गए आप वहीं खड़े हैं नो इज़ नॉट आपकी अपनी जर्नी है आपकी अपनी लाइफ है आपकी अपनी किस्मत है आपकी अपनी डेस्टनी है सो आपको ये देखना है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है आपको इस इन चीजों को कैसे हैंडल करना so, है सो ये चीज़ है जो आपको हैंडल करनी है आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली मे बी यू आर फाइटिंग विद टाइप ऑफ मेंटल इलनेस मेंटल स्ट्रेस टेंशन जिस चीज को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है आप में से काफी सारे लोग हो सकता है मे बी यू आर हैविंग सम टाइप ऑफ एग्जाइटी और ठीक है एग्जाइटी हो सकती है किसी चीज को लेके टेंशन हो सकती है चाहे वो प्रोफेशनली है या आप अपना अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस चीज को हो सकती है लेकिन कुछ इस है जिसके जिससे आप अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ इर्द गिर्द के लोगों के साथ कंपेयर करें डोंट डू इट क्योंकि यही वजह है कि आप आ, कुछ नहीं हो पा रहे आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे या पास्ट से आप अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे आ, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो इस इंसान की हो सकती है शायद पास्ट वाला ये इंसान है जो रिग्रेट कर रहा है ये दोस्त है आपका या लवर है आ, या इवन फैमिली मेंबर भी हो सकता है जिसको आपने कट ऑफ कर दिया है आपने बातचीत बंद कर दी या आप दोनों के दरमियान में जो है वो फासले बढ़ गए हैं तो वो इंसान डेफिनेटली आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस इंसान को दोबारा मौका देंगे चांस देंगे या नहीं देंगे सोच समझ के बिजनेस पार्टनरशिप या कोलाब्रेशन कीजिएगा किसी के साथ क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया उसको दोबारा गलती को मत दोहराइएगा कि किस पे ट्रस्ट करना है आपको किस पे नहीं करना कोई चीज है जो आप सेलिब्रेट भी करेंगे ठीक है मे बी देर इज सम टाइप ऑफ अ प्रपोजल कमिंग आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है या आपको किसी को प्रपोज करना है उसकी वजह से आपको काफी टेंशन हो रही है स्ट्रेस हो रहा है या आप अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपके डिसएग्रीमेंट्स या रिलेशनशिप में प्रोग्रेस थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है कोई आपसे अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करना चाह रहा है या कोई आपके पास वापस आना चाह रहा है ऐसा लग रहा है कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है बात करना चाह रहा है बट दे आर हेजिटेटिंग आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या आप कैसे उनको जो है वो डील करोगे इस फ्रेंडशिप को इस रिलेशनशिप को जो भी है ये इवन फैमिली मेंबर भी कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में थोड़ी सी डिसग्रीमेंट्स um, कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स या चीजें खत्म हो गई थी तो शायद इस वजह से हेजिटेशन है थोड़ा सा डिस्टेंस है या आप अपने आप को ऐसे लोगों से अब डिस्टेंस करने वाले हैं जिसकी वजह से ये काफी सारे लोग uh, आपके बारे में गॉसिप्स या बातें भी कर सकते हैं बट जस्ट कीप डूइंग यू आप अपने आप पर फोकस करें और आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको कहां पर क्या करना है और अपने लाइफ के डिसीजन आप खुद लें स्ट्रांग बने बी इंडिपेंडेंट क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको स्ट्रांग बना रही हैं क्योंकि जितना आप लाइफ से ये चीजें आपको एक एक्सपीरियंस दे रही हैं जो जो चीज भी आप इस वक्त सीख रहे हैं सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ ओके और बी स्ट्रांग और हो सकता है कुछ चीजें आपको इस मंथ से ही डिफिकल्ट लगे बट यू हैव टू डू इट